जय हिंद साथियों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर साथियों आज हम कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल का बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करेंगे तो सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के बी से संबंधित और या फिर जीके या फिर अन्य वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर जुड़ सकते हैं और चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं हर किसी के अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सारे स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे आप मोबाइल से घर बैठे भी फॉर्म भर सकते हैं ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है क्रोम ब्राउज़र में सर्च कर लेना है के यू नैनीताल डॉट ए सी डॉट इन ठीक है सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप वाइज यहाँ पर समझा देता हूँ सबसे पहले आप सर्च करेंगे या तो आप के यू सिंपली सर्च करें या फिर कुमाऊँ यूनिवर्सिटी करेंगे तो पहली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर लेना है उसके बाद आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको दिखेगी ठीक है यहाँ पर अगर आप इसको नीचे को स्क्रॉल करेंगे ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकती है तो बिल्कुल भी आप जो है चिंता ना करें तो के यू एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है जो ये नीचे पर आर डी टी जो पी एच डी के लिए है और साथ में बी ईड बी ई डी यानी कि बी एड के लिए तो आपको यहाँ पर ये यह क्लिक कर लेना है उसके बाद एक नया पेज आपका यहाँ पर ओपन होगा राइट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर बैचलर ऑफ़ एजुकेशन बी एड एंट्रेंस टेस्ट दो हज़ार तेईस अगर आप बी एड के लिए करना चाहते हैं तो इस अप्लाई पर क्लिक करेंगे अगर आप जो पी एच डी है उसके लिए करना चाहते हैं तो नीचे वाले पर आप क्लिक कर लेंगे तो हमने यहाँ पर बी एड के लिए यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये यह यहाँ पर जो कुछ आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखेगा इसको सिंपली क्लोज़ कर लेना है यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो इंफॉर्मेशन ब्रोचर है जो लेटेस्ट वाला वो भी मिल जाएगा प्रेस नोट मिल जाएगा और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं लेफ़्ट कॉर्नर में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी अप्लाई ऑनलाइन पर आप सिंपली क्लिक करेंगे या फिर नीचे यहाँ पर ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हम सीधे क्लिक कर लेते हैं अप्लाई ऑनलाइन पर उसके बाद नीचे पर आप देख सकते हैं स्टेप्स ऑनलाइन ये आपको दिख जाएगा ये कह रहा है कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं लेकिन ये रजिस्ट्रेशन आपका इसी वर्ष का होना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पिछले साल आपने रजिस्टर किया है वो आपका वैलिड यहाँ पर नहीं दिखाता है ठीक है तो इसका ध्यान रखना बाकी हम सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देंगे फिर दोबारा से यहाँ पर आपको कुछ नोटिस जो है नोटिफिकेशन दिखेंगे इनको आपको सिंपली क्लोज कर लेना है आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली करने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको फिलअप आप करनी है जैसे नेम और एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट में नाम है वही लिखें फादर्स नेम मदर्स नेम अच्छे से लिखिएगा केयरफुली डेट ऑफ बर्थ राइट वाली यानी कि अच्छी वाली डालना जो आपका टेंथ में हो या फिर आधार कार्ड में हो मोबाइल नंबर आपको जो है सही सही अंकित करना है उसके बाद एक ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर जो है आपको डालना है प्लीज़ यूज़ योर ओन ई मेल एज दिस विल बी यूज़ फॉर ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन यानी कि अपनी ई मेल डालिएगा क्योंकि जो एडमिट कार्ड या कोई भी सूचना प्रेषित की जाए तो वो वहाँ पर आपको भेजी जाए तो अपनी वैलिड ई मेल यहाँ पर भर लीजिएगा ठीक है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐसे ही भरनी है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं जैसे ही आप वो सारी डिटेल्स केयरफुली फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा स्टेप वन कंप्लीटेड प्लीज़ फिल क्वालिफ़िकेशन एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री लिखा गया है उसके बाद यहाँ पर आपको चॉइसेस फ़िलअप करनी है सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन यानी कि जहाँ आपका एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पर आप एक दो तीन में सेंटर्स फिलअप कर सकते हैं जो भी आप फिलअप करना चाहते हैं पहली चॉइस को आप पहले नंबर पर रखिएगा उसके बाद दूसरी चॉइस उसके बाद तीसरी चॉइस तो इस प्रकार से इसको भी भर लेंगे तीसरा कोर्स नेम बीएड मैरिटल स्टेटस यानी कि मैरिड है या अनमैरिड तो वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है ये डाइवोर्सड हैं या फिर विडोड हैं ठीक है नेशनलिटी इंडियन या फिर जो भी आपकी है तो इंडियन ही होगा लगभग सभी का डोमिसाइल उत्तराखंड का है या यस yes या नो no यहाँ पर फिलअप करना है कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व है ई है या एस सी या ओ है ठीक है फिर है uh, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर यस नो करना है यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के जो है डिपेंडेंट है या नहीं आर यू एन एक्स सर्विसमैन क्या भूतपूर्व सैनिक है हाँ या नहीं करना है डिफरेंटली एबल्ड यानी कि डिफरेंटली एबल है तो यस yes, या नो करना अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप नो भरना जेंडर यस जेंडर मेल फीमेल या अदर ठीक है आर यू इन्वॉल्व्ड इन एनी लिटिगेशन और पनिस्ड बाय कोर्ट यानी कि किसी भी लिटिगेशन में आप अगर जो है पाए गए हों तो उसके बारे में है यस या नो फिलअप करेंगे हैव यू बीन डिबेड टू सिट इन एनी एग्जामिनेशन यानी कि किसी भी एग्ज़ाम में आप या नकल करते हुए पकड़े गए या कुछ भी ऐसा हो कि जहाँ पर आपको निषेध किया गया हो यानी कि प्रतिबंधित किया गया हो तो यस या नो ठीक है एड्रेस फ़िलअप करना है एड्रेस तो आप अपने हिसाब से फिलअप करेंगे जो आप एड्रेस डालते हैं आधार कार्ड या फिर आपके रिज़ल्ट रिपोर्ट कार्ड में होगा स्टेट अपना डाल लीजिएगा उसके बाद आप पिन कोड फिलअप करेंगे जो कि आपका होगा स्टेट का या पोस्ट ऑफिस का ठीक है इसका ध्यान रखना उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ जाता है एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम डिटेल्स ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे हमने ग्रेजुएशन पर किया यूनिवर्सिटी आपको फ़िलअप करनी है जैसे हमने कुमाओं किया उसके बाद पासिंग ईयर अगर आप अपियरिंग हैं इक्कीस बाईस तेईस तो ये फिलअप कर लेना है उसके बाद टोटल मार्क्स यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर फिल करना है और फिर ऑपटेंड मार्क्स वो परसेंटेज आपका खुद ही आ जाएगा सिमिलरली अगर आपने पीजी किया है ठीक है तो उसका भी यहाँ पर फिलअप कर लेंगे अगर आपने नहीं किया है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे अब ये ग्रुप की बात आर्ट्स साइंस या कॉमर्स कौन सा ग्रुप आपका है स्ट्रीम यहाँ पर पूछी गई है तो आप अपने हिसाब से फिल कर लेंगे उसके बाद है आपका यहाँ पर अपलोड यूजी जी मार्कशीट यानी कि अगर आपके पास है रिजल्ट आ गया है तो आप यूजी की मार्कशीट डालेंगे ठीक है उसके बाद अपलोड पीजी जी मार्क्सिट अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो पीजी की मार्कशीट डालेंगे अगर आपने अपियरिंग भर रखा है तो आप सेकेंड ईयर का या फिर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डाल सकते हैं इसमें ठीक है आ, उसके बाद आप देख सकते हैं क्लेम ऑफ वेटेज मार्क्स वेटेज मार्क्स के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है उसको पढ़ लेना है वहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है कि किस किस को या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें चल सकते हैं अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड कर देना और यहाँ पर आप जो है टिक कर सकते हैं जैसे फिफ्टीन अंक का चाहिए या टेन जो आपकी अर्ता होगी वो बाद में आपको मिल जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से ऐसे ही टीम आइटम में इसका ध्यान रखना इसको अभी फिलअप कर लेना क्योंकि फिर बाद में कई लोग पूछते हैं कि क्या अब हम कर सकते हैं या फिर से जो है ये जमा कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट हम भूल गए थे तो इसका ध्यान रखना फिर ऐसे दो तीन में से आपको कोई एक फिलअप कर लेना है तो जो भी आपका है आपके अकॉर्डिंग जो सर्टिफिकेट है या जो गेम आपने खेला है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है बाकी वो क्रॉस चेक कर लेंगे और उसी बेसिस पर आपको ये मिल जाएंगे फिर अगर आपके पास एन सी सी एन एस एस या स्काउट गाइड कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड कर लेना है और नीचे पर जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको फिलअप कर लेना है आपका नहीं है तो सिंपली कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं होगा देखिए ऐसे एन एस एस का अथवा यहाँ पर लगा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर अगर आपके पास डिफेंस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है जैसे एक्स या जो सक्रिय सेवारत या वी तो यस या नो करके आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं डिफेंस कैटेगरी सेकंड ये उन्हीं के लिए है जो भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर जो अभी सेनावृत्त हो चुके हैं या सेना में हैं तो वो यहाँ पर फिल अप कर सकते हैं इसका ध्यान रखना ठीक है विडो कैटेगरी यानी कि अगर आप विधवा हैं या विदुर हैं तो वो भी यहाँ पर आप सर्टिफिकेट जो है भर सकते हैं इसका ध्यान रखिएगा यहाँ पर यह दिया गया है अधिमान प्राप्तांकों हेतु तो केवल संलग्न प्रारूप प्रार प्राप्त प्रणायकों को माना जाएगा पृथक से भाषाबद्ध प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे ठीक है तो अधिकतम आपको पच्चीस मार्क्स दिए जाएंगे यानी कि आपके पास एक से अधिक सर्टिफिकेट है, तो आपको अधिकतम पच्चीस सर्ट जो है मार्क्स दिए जाएंगे जो कि आपके वेटेज मार्क्स होंगे ठीक है इतना आपने फिलअप कर दिया उसके बाद आपका है फ़ोटो फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर लेनी है साइज यहाँ पर दिया गया है फिफ्टी के बी टू हंड्रेड के बी ये आप अगर कंप्यूटर से भर रहे हैं तो उसमें तो आप सिंपली इसको कम कर सकते हैं बाकी अगर आप फोन से भर रहे हैं तो आप फोटो रिसाइज़र एक ऐप मिलता है उसको डाउनलोड कर लेंगे वहाँ पर आप एज यूजल जितना आपको चाहिए एज इट इज़ या फिर आपको जो भी नीड है जैसे पचास के बी या दो सौ के बी है तो आप सौ के बी की फोटो बना करके इसमें अपलोड कर सकते हैं उसमें आपको सारी सेटिंग मिल जाएगी ठीक है ऐसे फिर सिग्नेचर बीस के बी से पचास के बी यहाँ पर कहा गया है तो इसी प्रकार से कर सकते हैं बाकी जो ऊपर हमने जो भी सर्टिफिकेट्स अपलोड करने थे वो भी आपके थे शुड बी लेस देन वन एम बी एंड ग्रेटर देन सौ के बी यानी कि हंड्रेड के बी से ज़्यादा और एक एम बी से कम के क्या होने चाहिए थे ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ पर होनी चाहिए जो ऊपर डिफेंस के या फिर विडो के या जो भी वेटेज मार्क्स के लिए आपको अपलोड करना है तो इन चीज़ों का ध्यान रख लेंगे आपको सिंपली चूज फाइल पर क्लिक कर लेना है उसके बाद आप माय फाइल्स पर जाकर जो है उस फोटो को अपलोड कर सकते हैं तो ये सिंपल तरीके से उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप हम अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आएगा तो जैसे ही आप वो सारी चीज़ें फिलअप करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स भर लेंगे और डॉक्यूमेंट को अपलोड करते समय आप उसके साइज़ का खास ध्यान रखें जो वहाँ पर कहा गया है और वहाँ पर जो जे यानी कि जो फोटो का फॉर्मेट होता है वही अपलोड करें वहाँ पर आपको वार्निंग दिख आएगी अगर आप गलत जो है या पी फॉर्मेट में या किसी अन्य फॉर्मेट में अपलोड कर रहे होंगे तो वहाँ पर सिंपली दिखा देगा कि आप वार्निंग दे देगा और कहेगा कि जे फॉर्मेट यानी कि जिसमें आपकी पिक्चर होती है उस फॉर्मेट में फिलअप करें ठीक है उसके बाद जब सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस प्रकार से दिखेगा एप्लीकेशन प्रीव्यू ठीक है तो फिर आप एप्लीकेशन्स को यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी का मैंने फॉर्म भर रखा है तो मैं उस एप्लीकेशन को नहीं दिखा रहा हूँ बाकी नीचे क्या क्या स्टेप्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखेगा ऊपर आपकी वही डिटेल्स दिखेंगी जो आपने भर रखी थी यहाँ पर जो जो आपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करे हैं वो दिख जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई वेटेज नहीं था तो वो वहाँ पर नहीं दिख रहा है अगर वेटेज का होता तो यहाँ पर फिर से एक सर्टिफिकेट दिख जाता ठीक है यहाँ पर आपको फिर डिक्लेरेशन पर क्लिक कर लेना है अगर आपको फॉर्म एडिट करना है तो फिर से एडिट पर करेंगे अगर आपको सीधे सबमिट करने हैं तो कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे ठीक है उसके बाद फी पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा जैसे ही तो उसी प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा फिर उसके बाद आप अपनी फी जो है सबमिट कर सकते हैं अब देखिए फी सबमिट करने के लिए आप सिंपली क्लिक करेंगे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू ठीक है यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे उसके बाद नीचे पर आप यहाँ पर जो है टिक कर लेंगे आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस आई हीयर बाई एग्री टू पे द नॉन रिफंडेबल फ़ीस यानी कि ये आपको वापस नहीं दी जाएगी पे फी पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं या तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर आप फीस या डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर फीस आप जो है भर सकते हैं ठीक है तेरह सौ दस अमाउंट तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इमेज और जो आपका फोटो है सिग्नेचर है और सर्टिफिकेट्स हैं इनको केयरफुली फिलअप करें कहीं पर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं तो जुड़े रहें बाकी प्रीवियस ईयर पेपर और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस होंगी वो लगातार अपलोड होती रहेंगी कुछ एक वीडियोस तो पिछले साल की भी होंगी आप उनको जाकर देख सकते हैं जुड़े रहें धन्यवाद